बाबा ने कहा आप त्रिनेत्री और त्रिवेणी हो। कैसे? त्रिनेत्री माना तीन नेत्रों वाले, त्रिनेत्री माना तीन नेत्रों वाले। अब सोचा तो नहीं जा सकता कि ऐसे शंकर का दिखा देते हैं तीसरी आंख खुल गई, परंतु परमात्मा के तीसरी आंख है ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र, समझ का नेत्र, दिव्य नेत्र। ठीक है क्या? तो जिसके कारण आप वो देख सकते हैं जो आप इन दो आंखों से नहीं देख सकते। तो आप हो गए त्रिनेत्री, जब आप वो देख सकें जो हम दुनिया में किसी के द्वारा ना देख सकें। जो हम किसी भी नेत्र के द्वारा ना देख सके, त्रिवेणी, आप तीन कर्तव्य एक साथ करने वाले हो। वो त्रिवेणी तीन कर्तव्य कौन से हैं आपके? कि एक साथ आप अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करते हो और फिर आसुरी अवगुणों का नाश करते हो, और साथ साथ जो दैवी गुण धारण किए हैं उनकी पालना करते हो। जो ज्ञान आपको अब मिलता है उस ज्ञान के आधार से आप तीन कार्य एक साथ करते हो, इसलिए त्रिवेणी कहा जाता है। वैसे त्रिवेणी कहा जाता है जहाँ तीन नदियां मिलती हैं, है ना, गंगा, जमुना और सरस्वती। अब इसमें गंगा के रूप में हम समझ लो कि स्थापना का कार्य कर रहे हैं, यमुना है काली बुराइयों को हम नाश कर रहे हैं, और जो गुप्त है शंकर के रूप में, है ना, जो देवी पालना हम कर रहे हैं। तो ये तीन नदियों को मिलने को कहा जाता है, जहाँ तीन कर्तव्य एक साथ होते हैं उसी प्रकार से ये तीन कार्य करने के कारण बाबा त्रिवेणी कहते हैं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और नहीं तो कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।